ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दोपहर बाद से जारी बारिश के क्रम में जिला हमीरपुर में जहां लोगों की संपत्ति डैमेज हुई है, वहीं गुरुवार और शुक्रवार को हुई भारी ओलावृष्टि और तेज बारिश से फलदार पौधों और गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। बारिश के कारण जिला में विद्युत बोर्ड के 2 दिन में लगभग 23,000 रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा 2 मकान और 1 गौशाला डैमेज होने से करीब 1.5 लाख की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं बारिश के कारण जिला एक बार फिर से ठंड की चपेट में आ गया है। दोपहर बाद से जारी बारिश के क्रम में जिला हमीरपुर में जहां लोगों की संपत्ति डैमेज हुई है, वहीं पिछले कल हुई भारी ओलावृष्टि और तेज बारिश से फलदार पौधों और गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। बारिश के कारण जिला में विद्युत बोर्ड को 2 दिन में लगभग 23,000 रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा 2 मकान और 1 गौशाला डैमेज होने से करीब 1.5 लाख की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं बारिश के कारण जिला एक बार फिर से ठंड की चपेट में आ गया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के अन्य जिलों सहित हमीरपुर में भी बारिश का क्रम जारी हो गया था। शाम होते होते बारिश का यह क्रम तेज हो गया। हालांकि गुरुवार को सुबह के समय मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ नजर आया, लेकिन एकदम से मौसम ने करवट ली और दिन भर बारिश होती रही। इस बारिश के कारण बरसर में 1 पक्का जबकि 1 कच्चा मकान डैमेज होने से करीब 80,000 का नुकसान आंका गया है। वहीं पिछले कल को हुई तेज बारिश के कारण नादौन में 1 गौशाला में आसमानी बिजली गिरने से डैमेज हुई है। वहीं उसमें बंधी 1 भैंस भी मारी गई है। इसमें भी लगभग 50,000 रुपए तक का नुकसान आंका जा रहा है। इसके अलावा 23,000 का नुकसान विद्युत बोर्ड का बताया जा रहा है, जिसमें कई जगहों पर बिजली के पोल और तारे क्षतिग्रस्त हुई है। हालांकि बारिश के कारण सड़कें भी हल्की फुल्की क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन फिलहाल उनके नुकसान का डाटा अभी तक नहीं पहुंचा है। वहीं इस बारिश और ओलावृष्टि के कारण फलदार पौधे आम, लीची, पलम, आड़ू, नाशपति आदि में निकल रहा अंकुर भी बुरी तरह से नष्ट हुआ है। 2 दिन से हो रही इस बारिश को कृषि विशेषज्ञों ने किसानों की फसल के लिए, खासकर गेहूं के लिए, बहुत ही नुकसानदायक बताया है, क्योंकि इस समय गेहूं की फसल दाने निकल रहे हैं। ऐसे में फसल को पानी की बजाय धूप की ज्यादा जरूरत रहती है, लेकिन बारिश ने इस फसल पर विपरीत असर डाला है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं रात का पारा 10 डिग्री के आसपास रहा।